आज हम बना रहे हैं महाराष्ट्र के फेमस चावल के आटे के भाप में पके हुए ये हेल्दी मोदक। ये भाप में पकने से और साथ ही बिना चीनी के बनने से बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं। गणपति बप्पा को ये बहुत ही पसंद है, तो इस बार इस रेसिपी को बनाकर उन्हें भोग लगाएं। सबसे पहले हम एक बर्तन में एक चम्मच घी को गर्म कर लेंगे। लो फ्लेम पर हमें यहाँ पर इस पैन को रखना है। अब हम यहाँ पे एक चम्मच खसखस के दाने डाल देंगे और इन्हें लो फ्लेम पर ही रोस्ट कर लेंगे। तो आज मैं आपको जो रेसिपी लेकर आई हूँ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में महाराष्ट्रियन रेसिपी है, ताकि आप घर पर इन्हें अच्छे से बना सकें। जब यहाँ पे ये खसखस के दाने अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, हम इसमें एक टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम डाल देंगे। आप जब भी इसमें ड्राई फ्रूट्स डालें, थोड़ा कम मात्रा में डालें और साथ ही आप इन्हें एकदम बारीक करके डालें, ताकि जब हम मोदक को बनाएं तो वे फटे ना। इस तरह से दोनों चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब हम यहाँ पे इसमें डालेंगे एक कप कद्दूकस किया हुआ ये नारियल। तो महाराष्ट्र में कद्दूकस करने की अलग एक मशीन आती है, उसे वो ग्रेट करते हैं। मैंने नॉर्मल कद्दूकस से इसे कद्दूकस किया है। और आधा कप हम यहाँ पे बारीक कटा हुआ ये गुड़ डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, मेरे जो कोकोनट के लच्छे यानी ग्रेटेड किया हुआ है थोड़ा मोटा है, आप इसे एक बार मिक्सर में चला लें ताकि थोड़ा सा ये बारीक हो जाए। इस तरह से देखिए हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी इलायची की पाउडर, और साथ ही यदि आपको जायफल का पाउडर का टेस्ट पसंद है तो आप उसे हल्का सा इस तरह से ग्रेट करते हुए डालें। और इस तरह से अच्छे से मिक्स करके हमारी ये परफेक्ट मोदक की स्टफिंग तैयार हो चुकी है। इसे मिक्स करके ठंडा होने के लिए साइड में रख दें। तब तक हम यहाँ पर इसकी कवरिंग के लिए डो तैयार करेंगे। डो के लिए हम यहाँ पर एक कप पानी को एक बर्तन में डालेंगे और इसे हम यहाँ पर बॉईल होने रख देंगे। इसमें एक चुटकी या फिर 1/4 टीस्पून के करीब हम सॉल्ट डालेंगे, बहुत कम सॉल्ट डालना होता है। और साथ ही आधा चम्मच के करीब हम इसमें घी डाल देंगे। बस हमें यहाँ पर इस पूरी रेसिपी में इतना ही घी चाहिए होता है, इसलिए मुझे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये रेसिपी लगती है। अब आप इसमें बॉईल आने दें। जब पानी में बॉईल आ जाएगा, फ्लेम को लो कर दें और इसका ढक्कन हटा दें। अब हम इसमें डालेंगे एक कप चावल का आटा। ये मार्केट में बहुत ही ईजीली इस टाइम मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसी मोदक का भोग लगाया जाता है गणपति को। तो ये मार्केट से मैं लेकर आई थी चावल का आटा, उसे हमने इसे डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। और इस तरह से एक बार मिक्स करने के बाद में हम इसे ढक कर करीब 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, ताकि चावल का आटा भाप में अच्छे से पक जाए और इसका बिल्कुल भी कच्चापन का टेस्ट ना आए। 10 मिनट के बाद में हम यहाँ पर इसका ढक्कन हटा के इसे चेक कर लेंगे। आप देखेंगे कि चावल अभी भी काफ़ी गर्म है, इसकी मैं अभी भी आपको यहाँ पे स्टीम दिखाई दे रही होगी। इस तरह से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद में हम यहाँ पे इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो बड़ी परात या कोई भी बड़ा बर्तन ले लें, उसमें इसे आप ट्रांसफ़र कर लें। अभी हमें यहाँ पर इसे अच्छे से गूँधना है एक डो के फॉर्म में। फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने आपको पहले चावल की रोटी भी बनाना बताया था, जिसे मैंने मेरी हाउस हेल्प ने बताया था, उसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, तो उसी ने मुझे ये डो लगाना बताया है। अभी चावल का आटा काफ़ी गर्म है तो मैं इसे यहाँ पे स्पैचुला से इस तरह से मैश कर रही हूँ। लेकिन मराठी लोग इसे काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं, तो वे लोग इसे हाथ से ही मैश करते हैं। अब मैं इसे हाथ से मैश कर लूँ, क्योंकि हल्का सा ही ठंडा हो चुका है। ज़रूरत पड़ने पर आप यहाँ पर इसमें या तो चावल का आटा या फिर थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के छींटे लगा के इसे गूँध सकते हैं। हमें यहाँ पे इसे काफ़ी ज़्यादा गूंदना होता है, ताकि चावल का आटा एकदम सॉफ्ट हो जाए, और जितना ये सॉफ्ट होगा उतने ही अच्छे हमारे मोदक बन के आएंगे। अब देखिए चावल का आटा कितने अच्छे से गूंद चुका है, बहुत ही सॉफ्ट है, इसमें कोई भी क्रैक नहीं रहना चाहिए। तो हाथों को खूब अच्छे से इसे मसलते हुए इसे सॉफ्ट कर लेना है, और हमारा ये परफेक्ट आटे का डो तैयार हो चुका है। इस तरह से जब ये हमारा चावल का आटा तैयार हो जाएगा, इसे आप इस तरह से अच्छे से चिकना कर लें। स्टफिंग हमारी पहले से ही बना के रख ली गई है, जो कि ठंडी हो चुकी है। अब आप यहाँ पर इस छोटा सा एक पीस इसमें से लें और इसे एकदम इस तरह से बॉल बना लें और हाथों से इसे इस तरह से फ्लैट कर लें। फ्रेंड्स, मोदक वही अच्छे लगते हैं यदि आपने इसकी कवरिंग बहुत पतली बनाई हो। जितनी पतली कवरिंग होगी उतनी ही टेस्टी मोदक लगते हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह से आप हाथों से इन्हें पतला करें। काफ़ी लोग इसे प्लास्टिक की शीट पर बेलन से भी बेल लेते हैं, तो आप वह भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पतली शीट मेरी तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसमें प्लीट्स बनाएंगे, जिस तरह से कि नॉर्मल इस तरह से प्लीट्स बनाई जाती है। आप यहाँ पर इसे पिंच करें और इसे प्रेस कर दें। ज़रूरत पड़ने पर आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी का हाथ लगा सकते हैं, ताकि अच्छे से इसकी प्लीट्स बने और फिनिशिंग आए।
मैं यहाँ पे इन मोदक को बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा फिनिशिंग मेरे मोदक में नहीं आएगी, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ, लेकिन मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो मुझे लगता है कि इस तरह की रेसिपीज़ भी बनानी आनी चाहिए। मैंने स्टफिंग रख दी है सेंटर में। अभी हम यहाँ पर इन सभी प्लीट्स को इस तरह से इकट्ठा करेंगे, एक ही डायरेक्शन में आप इन्हें इस तरह से रोटेट करते जाएँ और इन्हें पास में लाते जाएँ, और इस तरह से हम यहाँ पर इसे एंड से सील कर देंगे और हमारा ये मोदक का शेप तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस मोदक को बनाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही नीट और सुंदर आपके ये मोदक बन के आएंगे। और इस तरह से मैंने सारे मोदक यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं। आप इन्हें बना कर ढक के रखें ताकि इनके ऊपर क्रस्ट ना आए। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से एक जाली ले ली है। जाली के ऊपर आप चाहें तो यहाँ पे कोई सूती का कपड़ा रख लें या फिर आप तेल या घी से ग्रीस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे केले का पत्ता रखा है और इस तरह से थोड़े थोड़े गैप में हम यहाँ पर ये मोदक को यहाँ पर रख देंगे और इन्हें हम स्टीम करेंगे। तो मुझे यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन लगा कि चावल का पत्ता, वैसे यहाँ पे हल्दी के पत्तों का भी यूज़ किया जाता है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे रखें। मैंने स्टीमर के लिए इस तरह से कढ़ाई में पानी भर दिया है, नीचे रैक रख दी है एक, उसके ऊपर इस तरह से हम ये जाली रख देंगे और हम इसे वापस से एक चावल के केले के पत्ते से इसे ढक देंगे और उसे हम यहाँ पे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने के लिए रखेंगे। ऐसा करने से मोदक बहुत अच्छे से स्टीम होते हैं और जो ऊपर के ढक्कन पर पानी गिरता है वह मोदक पे नहीं गिरता है, तो मोदक बहुत ही बढ़िया स्टीम होंगे और सुंदर भी लगेंगे। 15 मिनट के बाद में हम ढक्कन को हटाएंगे और साथ ही केले के पत्तों को भी हटा देंगे। अभी ये मोदक स्टीम हुए हैं या नहीं हुए इन्हें चेक करने के लिए आप इन मोदक पे हाथ लगाएं। यदि आपकी जो फिंगर है, उंगली एकदम क्लीन निकल के आती है, तो इसका मतलब हमारे मोदक तैयार हो चुके हैं। अब गैस को बंद कर दें और इन्हें आप इस स्टीमर से निकाल लें और इन्हें थोड़ा ठंडा होने दें। इन्हें आप गरम गरम घी डाल के इस तरह से सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे और टेस्टी ये मोदक लगते हैं, एक बार इन्हें आप ज़रूर ट्राई करें। हेल्दी है, टेस्टी है और कम इंग्रेडिएंट्स में इजीली बन भी जाते हैं। तो इस बार आप गणपति बप्पा को इन मोदक का भोग लगाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे टेस्टी हेल्दी मोदक तैयार हो चुके हैं, जिन्हें मैंने आप सबके लिए ही बनाया है। काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि इस वीडियो को आप बनाएं, इसीलिए मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूं। और आप देख रहे हैं इसकी कवरिंग कितनी पतली है, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसी तरह से ये छोटे छोटे से टिप्स आजमाएं और इन परफेक्ट मोदक को बनाकर गणपति बप्पा को भोग लगाएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।